कभी खत्म ना होने वाला सफर, मतलब वो जो खत्म होकर भी आपके दिल और दिमाग में घर कर जाए, ऐसा एक सफर मैंने भी तय किया जो अब खत्म होने वाला है, पर मेरे लिए ये हमेशा ना भूलने वाला किस्सा, एक याद और जिंदगी की बड़ी खुशी बना रहेगा। चलो आखिरी बार कुछ ना भूलने वाली यादों को जी ले हम। सफर की शुरुआत हमने इनविजिबल एनजीओ के मनाली वाले बेस कैंप से की, जहां हमने टेंट में रहने का मजा उठाया। देख घर में क्या है, इसको क्या बोलते हैं? दलिया। ये दलिया है, ये उपमा है, चाय नाश्ता। पहले दिन हम घूमने निकले मनाली के आसपास देखने लायक जगह को। अभी हम जा रहे हैं मनाली मार्केट में, आई थिंक मार्केट में हमको छोड़ेंगे, ऐसा था, ऐसा डिसाइड हुआ है। दो ऑप्शन के, एक ऑप्शन था कि वो पर हेड हम जितने भी लोग हैं उनसे 500 रुपये लेंगे और चार जगह दिखाएंगे, उसमें था वशिष्ठ टेम्पल, हिडिंबा टेम्पल एंड दो अलग अलग एक जगह थी। जा रहे हैं, दिखाएंगे कि कहाँ पे जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। सो आफ्टर दैट अराउंड पर हेड 400 पे करने के बाद हम निकल पड़े साइट सीइंग करने के लिए। फर्स्ट प्लेस जहां हम जाने वाले थे वो थी अटल टनल, जो मनाली से अराउंड 28 किलोमीटर दूर थी। कहा जाता है कि अगर आप मनाली जाए तो अटल टनल देखना ना भूलिए। 9 किलोमीटर की ये टनल आपको दो अलग अलग एटमोस्फियर का एहसास कराती है। लेह लद्दाख जाने के लिए भी यहीं से होकर जाना पड़ता है। सो फाइनली हम अटल टनल पहुंच गए। ये एक ऐसी जगह है जहां ट्रैफिक बहुत रहता है और लोग भी बहुत मिल जाएंगे। सो अपन हम पहुंच गए हैं दुनिया की सबसे बड़ी टनल, जिसका मतलब डिस्टेंस है 9.1 किलोमीटर, और ऐसा भी कहा जाता है कि ऊंचाई में भी सबसे ज़्यादा 10,000 फीट तक का उसका हाइट है। वहाँ पे भी ये पहली टनल है जो इतनी लंबी है और हाइट में भी इतने ज़्यादा ऊपर तक है। और यहाँ पे हम अभी आ गए मनाली घूमते घूमते इस वाले रूट पे आ गए, जहाँ से आप ले जा सकते हैं, यानी कि लेह लद्दाख की जर्नी हो तो यहाँ से निकलना पड़ता है। और ये देख रहे हैं, सभी फोटो यहाँ पे खिंचा रहे, सब लोग यहाँ पे फोटो ही खिंचाने खड़े रहते हैं, स्पेशली देखने के लिए नहीं पर फोटो खिंचाने के लिए। यहाँ पे 9 किलोमीटर तक आते हैं अंदर, जैसे कि हम लोग आए हैं, और आजू बाजू आपको बर्फ का माउंटेन दिखेगा। अगर आप सीजन में नहीं आए स्नोफॉल के सीजन में और आपको फिर भी माउंटेन्स देखना है जहाँ से बर्फ कुछ दिखे, तो इस जगह पे आगे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, बट यहाँ पे देखो, आय हाय 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 क्या व्यू है, आय हाय हाय हाय। देखिए देखिए बाइकर्स जो ले, आप ले ले जा रहे, ले लद्दाख जा रहे? नहीं, ऐसे। अच्छा, ये सारे बाइकर्स हैं जो बाइक लेके जगह पे घूमने आए हैं। वहां पे बर्फ है। ₹20 की चाय अटल टनल में, तो ₹10 की चाय नीचे से पैक करवा कर लेके आना। गरम गरम चाय पीनी हो तो अटल टनल टनल अटल जीप भी अब तो जुबान भी नहीं खुल रही। अटल टनल से यहाँ डायरेक्ट भैया जी खड़े हैं, वहाँ पे चाय कॉफी सब मिल जाएगा आपको।
अटल टनल से जब हम निकले तब शाम हो चुकी थी और रिटर्न पे आपको इतना सारा ट्रैफिक मिलता है और अगर कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई हो तो घंटों तक इंतजार करना पड़ता है और ये ऐसे रास्ते हैं जहां आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते। आफ्टर दैट हम फाइनली पहुंच गए सोलन वैली। तो ये है सोलन वैली जहां पे लोग रुकते हैं और एंजॉय करते हैं, नाश्ता करते हैं। ऐसी कुछ एक्टिविटीज भी करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे दिसंबर में बर्फ स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर में, लेकिन अभी बर्फ नहीं है, लेकिन माहौल एकदम ठंडा है। दिसंबर में यहाँ पे बर्फ होती है। स्की वगैरह करना हो तो वो यहाँ पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा बर्फ रहता है, लाइक इन दिसंबर, आफ्टर दिसंबर। सोलन वैली से निकलकर हम पहुंच गए हिडिंबा टेंपल, जहां टेंपल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन ये टेंपल यहां के इतिहास को बयान करता है। ये मंदिर हिडिंबी देवी या हिरमा देवी को समर्पित है, जिनका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। यहां पे उकेण एक लेख के अनुसार ये मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 15वीं सदी में करवाया था। पैगोड़ा की शैली में निर्मित यह मंदिर अत्यंत सुंदर है। ट्रैकिंग के दूसरे दिन हम पहुंचे क्लाथ नामक एक जगह जहां एटमॉस्फेयर बहुत ही सुंदर था। आफ्टर ट्रैकिंग हम यहां पे खड़े हैं, जहां पे यहां पे एक होटल है। सब गर्म पानी में वहां पे नहाने गए हैं। मेरे को इतनी ठंड लग रही है, मैं तो नहाऊं ही ना 2-3 दिन तक। पर यहां पे व्यू बहुत अच्छा है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमको खड़े रहने में। देखो देखो ये घनेरे पर्वत की साए है। आपको ऐसा देखना है तो मनाली आओ, मनाली से भी ऊपर आना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के कल्चर को साथ लेकर चलते यहाँ के लोग इतने सरल स्वभाव के थे, जिनसे बात करने में अपनेपन का एक एहसास होता है। खारी, 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 डिफरेंट खारी। जब हम कसोल के लिए निकले तब वहाँ पे घूमने के लिए जगह सोच रहे थे, तब जाकर हम पहुँचे एक बहुत ही बढ़िया जगह, यानी कि मणिकर्ण मंदिर। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती घाटी में व्यास और पार्वती नदियों के मध्य में बसा है। मणिकर्ण मंदिर अपने प्रसिद्ध गर्म पानी के कुएं और इसके पार बहती पार्वती नदी के लिए भी प्रसिद्ध है। देश विदेश से लाखों प्रकृति प्रेमी पर्यटक यहाँ बार बार आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उपलब्ध गंधक युक्त गर्म पानी में कुछ दिन स्नान करने से बीमारियाँ ठीक हो जाती है। इतनी सारी जगह को घूमने के बाद फाइनली अब हमारा सफर यहाँ पे खत्म होता नजर आ रहा था। अब कुछ बचा था तो वो था यादों का एक बड़ा सा समंदर। ये सब हमारे इंस्ट्रक्टर्स है ट्रैकिंग के लिए, ये हमारी सेना है सारी ट्रैकर्स। भाई हम मनाली में कुछ भी हो सकता है, पीछे स्नो है, यहाँ पे बारिश है, पीछे फॉग है। कुछ बातें हैं जो यहाँ पे हमेशा याद रही जाएगी, जैसे कि हमारे टीममेट के साथ की गई वो मस्ती और बिना मौसम के वो गिरने वाली बारिश। अंदर खेती चल रही है, सबको मिलेगा, सबको रुई मिलेगा, अंदर खेती है, खेती नहीं पर रुई मिलेगी।
अभी हमारे यहाँ खत्म डिपार्चर। अब ये आखिरी दिन है, नाइट नहीं है, अब निकल ही रहे। ये देखो सारी पैकिंग कर लिए सबने। भाई ये तो चढ़ गए सामान रखने की बजाय, मजे लेके जा रहे नीचे। टाटा, ऑल सेट, हमारे गोपी भैया सामान चढ़ा रहे सबका। देखो ये आखिरी पैकिंग हो रही है, अब हम जाके पठानकोट रुकेंगे तो सारे के सारे ऊपर चढ़ रहे सामान। गोपी भैया ने गारंटी दी है भाई, यहाँ से अगर सामान गिरा ना तो वो मेरी जिम्मेदारी। हेलो, गाड़ी में थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम आया है तो गाड़ी अब हमारी बैटरी में ठीक होगी। यहाँ पे आए हैं हम गाड़ी ठीक कराने। टंग किसी ने कुछ देखा, ट्रैवलर वाले चलो तो अब मिलते हैं एक और नए सफर के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।